तो कोई आपको कहे कि सिर्फ आलू के छिलके से बड़े बड़े नदियों की सफाई संभव है तो आप उसको शक भरी नजरों से देखेंगे, लेकिन दोस्तों ये संभव हो चुका है। चलिए आइए जानते हैं। वैसे तो आलू हर घर में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों का राजा होता है। इसका छिलका कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। अब यही आलू का छिलका गंगा नदी को स्वच्छ बनाने में मददगार होगा। इसके साथ ही कारखानों से निकलने वाले गंदे जल को शुद्ध करेगा। दोस्तों IIIT के वैज्ञानिकों ने आलू के छिलके से नैनो आधारित खुद से चलने वाली चुंबकीय माइक्रोबॉट तैयार किए हैं। दोस्तों ये माइक्रोबॉट एक प्रकार के सूक्ष्म कण हैं जो प्रदूषित जल को शुद्ध करने में मददगार होंगे। दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र से निकलने वाला कचरा जिसमें भारी मात्रा में ऑर्गेनिक डाई और जहरीले कैंसरजनक रसायन होते हैं, इसकी सफाई में आलू के छिलके से बना हुआ माइक्रोबॉट काफी उपयोगी साबित हो सकता है। दोस्तों यह माइक्रोबॉट आलू के छिलके से जैव संगत कार्बन डॉट का उपयोग करते हैं और इसी के साथ जल के शुद्धिकरण में लगभग 100% कारगर है। दोस्तों ये आलू के छिलके से पूरे नदी की सफाई वाला आइडिया कहाँ से आया, चलिए हम आपको बताते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो कि इलाहाबाद में स्थित है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने यह सब कर दिखाया। दोस्तों आलू के छिलके से चुंबकीय माइक्रोबॉट तैयार किए हैं और जिससे पूरी नदी की सफाई 100% कारगर है। दोस्तों एक्चुअल में होता यह है कि ये माइक्रोबॉट्स को खुद से चलने के लिए गैस बुलबुला का उपयोग करते हैं। इसके अलावा माइक्रोबॉट में लोकोमोशन का बाहरी ऊर्जा स्रोत की जरूरत नहीं होती है, इसलिए माइक्रोबॉट रासायनिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलने के लिए अत्यधिक ऊर्जा का कुशल होते हैं। दोस्तों इसके वैज्ञानिक बताते हैं कि इस माइक्रोबॉट को बनाने के लिए लगभग 2 साल का समय लगा है, जिसका पेटेंट 2020 को फाइल किया जा चुका है।